आज के लेक्चर में हम कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने इस सीरीज की फर्स्ट लेक्चर टाइप व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क नहीं देखी तो देख ले, ताकि आपको वीडियो समझने में बहुत ही आसानी हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ उत्कर्ष और आप देख रहे हैं कार्डिनल एकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप ऑफ नेटवर्क। बेसिकली नेटवर्क के फोर टाइप्स होते हैं, पैन, लैन, वैन, मैन। कुछ लोग पैन को, पर्सनल नेटवर्क को, इस काउंटिंग में नहीं लेते हैं। अगर मैं कहूँ दो कंप्यूटर या फिर दो डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हम नेटवर्क का यूज़ करते हैं, तो टीवी और रिमोट किस नेटवर्क के अंदर आएगा? इस छोटी नेटवर्क डिस्टेंस के लिए हम पैन नेटवर्क का यूज़ करते हैं। अब चलिए इन नेटवर्क के बारे में जानते हैं। पैन, पैन मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे कि आप पैन सब से समझ सकते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो कि टोटली पर्सनल होता है यूज़ के लिए। पैन एरिया नेटवर्क स्मॉलेस्ट नेटवर्क होता है, जो कि यूज़ करने के लिए बहुत ही आसान होता है। पैन एरिया नेटवर्क में ब्लूटूथ इनेबल्ड और इंफ्रारेड डिवाइसेस आते हैं। इंफ्रारेड डिवाइसेस में जैसे कि टीवी और रिमोट का कनेक्शन के बीच में इंफ्रारेड डिवाइसेस यूज होता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क की कनेक्टिविटी 10 मीटर से ऊपर तक होती है। पैन के एग्जांपल हैं जैसे कि वायरलेस कीबोर्ड और माउस, ब्लूटूथ इनेबल्ड हेडफोन्स या फिर वायरलेस प्रिंटर और टीवी रिमोट, ये सब पैन के अंदर आ जाते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, हम वायरलेस माने ब्लूटूथ के थ्रू किसी भी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि लैपटॉप को ब्लूटूथ के थ्रू हेडफोन्स कनेक्ट करते हैं, फ़ोन को ब्लूटूथ के थ्रू हेडफोन्स कनेक्ट सकते हैं, टीवी किस कनेक्ट सकते हैं, ये सब पैन के एग्जांपल है। मतलब वो जो छोटा नेटवर्क होता है 10 मीटर के अंदर, उसे हम पैन के अंदर लेते हैं। लैन, लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन के एग्जांपल है जैसे कि ऑफिस, बिल्डिंग, स्कूल नेटवर्क, इतने नेटवर्क सब लैन के अंदर आते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क की रेंज 1 रूम जितनी होती है। लोकल एरिया नेटवर्क में ज़्यादा से ज़्यादा 1000 पीसीज को हम कनेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से लोकल एरिया नेटवर्क की स्पीड सबसे तेज होती है। लोकल एरिया नेटवर्क के कनेक्शन के लिए हम ज़्यादातर ईथरनेट केबल का यूज करते हैं। ईथरनेट केबल मतलब कि जो डाटा को फ्लो करने के लिए केबल यूज की जाती है, उसे हम ईथरनेट केबल कहते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क में ओनरशिप टोटली प्राइवेट होती है। लोकल एरिया नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिशन स्पीड बहुत ही हाई होती है। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें 1000 पीसीज को हम ऐड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कम क्वांटिटी है। इस कारण से इसकी स्पीड बहुत ही तेज होती है। इस नेटवर्क में एक सेंट्रल सर्वर होता है, जो कि डाटा ट्रांसमिशन के लिए ईथरनेट केबल का यूज किया करते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क में बहुत ही कम हार्डवेयर यूज होता है। मतलब कि हम एक सर्वर मतलब CPU के थ्रू हम बाकी सारे कंप्यूटरों को कनेक्ट कर सकते हैं, और इसमें हम ज़्यादातर बस या रिंग टोपोलॉजी का यूज करते हैं। टोपोलॉजी के बारे में हम अपने अगले लेक्चर में कवर करेंगे। मैन, मैन मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन की रेंज 75 और 80 के बीच में होती है। हम दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क का यूज करके मैन बना सकते हैं। इसमें ओनरशिप दोनों पब्लिक और प्राइवेट दोनों होती है। इसमें डाटा ट्रांसमिशन स्पीड मॉडरेट होती है। मॉडरेट यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क से कम और वाइड एरिया नेटवर्क से ज़्यादा होती है। इट इज़ यूज फॉर सिटी टू सिटी डाटा कनेक्टिविटी। इसे सिटी से सिटी के बीच में डाटा कनेक्टिविटी के लिए हम यूज करते हैं। इसको इंस्टॉल करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। जैसे कि टीवी केबल और ATM मशीन केबल जो होता है, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एग्जांपल होता है। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, एक लोकल एरिया नेटवर्क मतलब कि बस टोपोलॉजी के अंदर है, उसे हम राउटर थ्रू कनेक्ट करते हैं दूसरे लोकल एरिया नेटवर्क से, और उसे हम एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बना देते हैं।
मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का अच्छा एग्जांपल है लोकल एरिया नेटवर्क की कनेक्टिविटी के लिए। जैसे कि आप बीएसएनएल का डाटा केबल कनेक्शन सुने ही होंगे जो कि इंटरनेट के लिए यूज़ किया जाता है, वो इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू यूज़ किया जाता है। दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करके एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बना दिया जाता है। वैन वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क पूरा ग्लोबल कनेक्टिविटी होती है, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में इसका यूज किया जाता है। ओनरशिप इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों होती है। इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस इसमें बहुत ही डिफिकल्ट होता है, मतलब कि इस नेटवर्क में कहीं भी फॉल्ट आ जाए तो इससे पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है कि इस नेटवर्क में कहाँ पे फॉल्ट है। डाटा ट्रांसमिशन स्पीड बहुत ही स्लो होती है एज कम्पेयर टू लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये वायर्ड और वायरलेस दोनों होता है। इसे कोर इंटरनेट के नाम से भी जाना जाता है। कोर इंटरनेट के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये ग्लोबल कनेक्टिविटी होती है। वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है, वायरलेस एग्जांपल है जैसे कि इंटरनेट, और वायर्ड एग्जांपल है जैसे टेलीफोन केबल जो होती थी वो पूरे कंट्री में यूज़ की जाती थी एक दूसरे से बात करने के, मतलब कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ की जाती थी, या फिर इसके सैटेलाइट शेयरिंग, सैटेलाइट के थ्रू इसे डाटा शेयरिंग की जाती है जैसे कि इंटरनेट वायर्ड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है। वैसे कि आप देख सकते हैं वायर्ड एरिया नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में यूज़ की जाती है, इसलिए हम इसे वायर्ड एरिया नेटवर्क कहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा, इसी तरह और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर आर्किटेक्ट रिलेटेड सारे वीडियोस हैं, और इस सीरीज़ की अगली वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। थैंक यू।